अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर सनी, पेट्स हेल्थ क्लिनिक, अपने चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कुर्बानी के बकरों की डिवर्मिंग के हवाले से। तो आज हम मौजूद हैं अपने उस्मान भाई की छत पे, जिन्होंने कुर्बानी के जानवर लिया कुर्बानी पे सेल करने के लिए। तो मार्च में इन्होंने ये परचेजिंग की थी। तो अब सूरत हाल ये है कि अब हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं डिवर्मिंग पे, के राइट वे और राइट डायरेक्शन में जो डिवर्मिंग होनी चाहिए जानवरों की, वो नहीं हुई। जब ये इन्होंने जानवर परचेज़ किए थे तो ये इससे बहुत ज़्यादा हेल्दी थे। जो भी आप कंडीशन चेक कर रहे हैं जानवरों की, देखें ये मक्खी चीना नस्ल है मदरसा मंडी की। तो मैंने विज़िट किया था जब ये लेके आए थे, तो उस वक्त माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी हेल्थ थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 माह हो गए हैं, 2 माह से बचाए इनके कि ये सेहतमंद होते, तो ये उन्होंने अपना वेट बहुत लूज़ किया है। तो उसकी वजह ये है कि मैंने एक शेड्यूल दिया था उस्मान भाई को कि इनकी जो डिवर्मिंग है ना वो 15 दिन के अंदर अंदर करवा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हुए कि ये इग्नोर कर दिए उन्होंने। क्योंकि हेल्दी बहुत थे, शायद इन्होंने समझा कि ज़रूरत नहीं है, तो मैं खिलाऊँ पिलाऊँगा, अच्छी खुराक दूँगा तो ये वेट गेन कर जाएंगे। तो असल में होता ये है कि जानवर जो है, मुझे देखना जी। तो अब ये उस्मान भाई ने ये जानवर, 6 जानवर उन्होंने परचेज़ किए थे, कोई राउंड अबाउट 75,000 के राउंड अबाउट इनको एक जानवर की प्राइस पड़ी है। तो अब देखें, अब एक तो इन्होंने, इनसे जो मिस्टेक हुई, उन्होंने एक तो जानवर थोड़ा मेरे हिसाब से महंगा परचेज़ किया, लेकिन नहीं, उस टाइम पे जो इनकी हेल्थ थी तो मैं नहीं कह सकता था कि इन्होंने महंगा परचेज़ किया, बहुत अच्छी हेल्थ थी जानवरों की। अब लॉस इस सेंस में आया कि इन्होंने अगर तो ये इस सेंस में डिवर्मिंग नहीं कराई कि चलो वो जो है ना वो पैसे डिवर्मिंग के वो बच जाएंगे, ठीक है, वही इनकी मैं खुराक पे लगाऊंगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा मुझे, तो ये रिज़ल्ट अब आपके सामने है, ठीक है, बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हुआ है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 15 किलो तक तो एक जानवर जो है ना कम अज़ कम वो वेट लूज़ कर गया। तो उसकी अगर आप कॉस्ट निकालते हैं तो आपके सामने ही है, इस टाइम 1300 रुपये किलो गोश्त चल रहा है, तो एक जानवर कितना कितना इनको जो है वो नुकसान कर रहा है। तो वही अगर ये 1500 एक जानवर के ऊपर डिवर्मिंग के शेड्यूल का अगर वो लगा लेते तो अब जानवरों की हेल्थ जो थी वो पहले से ज़्यादा होनी थी। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स से ये बात करता हूँ कि अगर आपका जानवर सही तरह से खा पी नहीं रहा, और अगर वो सही तरह से खा पी भी रहा है और वेट गेन नहीं कर रहा, या अपनी वो जो जिस मकसद के लिए आपने उसको रखा हुआ है वो मकसद आपका पूरा नहीं हो रहा, तो आपका जानवर ठीक नहीं है, जानवर आपका बीमार है। तो डिवर्मिंग भी एक बीमारी है, ठीक है, इंटरनल बॉडी पैरासाइट्स होते हैं जो जानवर की हेल्थ को नहीं बनने देते और आपके बजट के ऊपर वो ना भारी होना शुरू हो जाता है। तो अच्छा, अब ये तो हो गया डिस्कस के भी जानवरों की डिवर्मिंग जो है, किस किस्म के जानवरों की डिवर्मिंग करनी चाहिए और किस किस्म के जानवरों की डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो ये आपने पूछ लेना जब आप परचेजिंग कर रहे हो। हाँ, और दूसरा ये है कि जब आप बहुत शॉर्ट टाइम में ईद के लिए, कुर्बानी के लिए जानवर लेके आते हैं, सपोज़ 1 माह पहले आप लेके आ गए हैं या 1.5 माह पहले आप लेके आए हैं, तो फिर उनको जो है ना वो डिवर्मिंग की ज़रूरत हो भी तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिवर्मिंग के बाद जानवर जो है 1 माह तक जो है वो डिस्टर्ब रहता है। तो वो जिस एटमॉस्फेयर में पला है, जो डाइट खा के वो पीछे से खाता आया, आप मालकान से पूछ लें और उसी डाइट को ही कैरी ऑन रखें, तो आप जो है मज़ीद लॉस होने से बच जाएंगे, अपना लॉस करने से बच जाएंगे। हाँ जी, ये देख रहे हैं अभी एक जानवर को, ये एक जानवर ये अभी ख़ारिश कर रहा था, तो ये कंडीशन आपके सामने है जानवरों की। हाँ जी, तो हुआ ये था कि उस्मान भाई का ख्याल था कि हम इसको अच्छी खुराक देंगे, अच्छा चारा देंगे तो ये अपना वेट और गेन कर लेंगे, तो ऐसा हुआ नहीं। उसकी वजह ये है कि डिवर्मिंग जो है वो राइट टाइम पे नहीं हो सकी। अच्छा, अब राइट टाइम पे नहीं हुई तो कब होनी चाहिए डिवर्मिंग? उसका तरीकाकार ये है कि देखे, डिवर्मिंग के लिए कम अज़ कम 1 माह का टाइम होना चाहिए हमारे पास। जब हम डिवर्मिंग करते हैं, औरल सस्पेंशन पिलाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, तो जानवर की डिवर्मिंग कंप्लीट होने में कम से कम 1 महीना लग जाता है, तो टाइम था इनके पास पीछे कम।
तो अब ये 2 माह के बाद, 2.5 माह के बाद जो है इन्होंने उसको डिवर्मिंग अप करवाई है मेरे से। तो लेकिन अब टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, 1.5 माह रह गया ईद में, तो जानवर जो है ना वो उस तरह से तैयार नहीं हुए। जी, तो दूसरी बात ये है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इस जानवर की डिवर्मिंग होने वाली है या नहीं होने वाली। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे सामने एक बहुत हेल्दी जानवर होता है और कोई ऐसी साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा होता कि इसको डिवर्मिंग की ज़रूरत है। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई मुझे कि ये थोड़ा सा अनोखी टाइप का केस था कि ये एक बहुत हेल्दी, प्यारे और ख़ूबसूरत जानवर थे, तो डिवर्मिंग ना होने की वजह से ये वो अपनी हेल्थ गेन नहीं कर सके। तो होता ऐसे है कि कुछ जानवर तो साइन एंड सिम्टम्स शो कर देते हैं, सपोज़ जैसे कि वो मट्टी खाते हैं, अपने आप को दीवारों के साथ रगड़ते हैं, ख़ारिश करते हैं, लकड़ी खाते हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ों को, गंदी चीज़ों को मुंह मारते हैं, ठीक है, पेट बढ़ जाता है, तो वो हमें क्लियर साइन उनका पता चल जाता है कि इस जानवर की डिवर्मिंग होने वाली है। तो इन जानवरों ने ऐसा कुछ नहीं किया, हेल्दी थे चूँकि, तो इस वजह से ये लेट भी हो गए। तो ये अनोखा इसलिए है केस के, देखें जब हम जानवर मंडी से लेके आते हैं ना, तो ये हमें अंदाज़ा नहीं होता कि भाई ये जानवर घर के पले हुए हैं या चराई पे पले हुए हैं। तो जानवर बेसिकली डाइट का ना अडिक्ट होता है, वो जिस चारे पे, जिस खुराक पे, जिस टाइप की खुराक के ऊपर लगता है वो उसी टाइप की खुराक खाता है, और कुछ अरसे के बाद वो जब उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं और वो अडिक्ट हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है, ना कि उसको, बजाय कि उसको कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी ना हो। तो जिसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि जिस तरह आप देखेंगे कि चराई वाले जानवर अक्सर रूढ़ी पे भी आपको खाते हुए मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स मौजूद होते हैं। वो क्यों नहीं अपना कमज़ोर क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो खुराक इस टाइप के ले रहे होते हैं कि वो पैरासाइट्स को भी डाइट दे रहे होते हैं और ख़ुद भी एक डाइट का हिस्सा जो अपनी बॉडी के लिए वो इनटेक कर रहे होते हैं। तो वो दोनों जो है ना, बॉडीज़, पैरासाइट्स और जानवर की अपनी बॉडी को जो ज़रूरत होती है वो इनटेक कर रहे होते हैं, और वो फ्रेंडली ग्रेजिंग के ऊपर होते हैं, फ्री ग्रेजिंग होती है, तो वो जानवर जो है वो अपनी ज़रूरत और अपने पैरासाइट्स की ज़रूरत को पूरा कर लेता है। अच्छा, जब ऐसे जानवर को अब हम घर ले आते हैं और घर ला के फीडिंग करवाते हैं, तो क्या होता है कि वो जो जानवर हैं वो साफ़ सुथरी और अच्छी ग़ज़ा जब खाते हैं तो उनके पैरासाइट्स को वो ग़ज़ा नहीं मिलती, क्योंकि पैरासाइट्स की ग़ज़ा होती है गंदी, वो उस तरह की गंदी चीज़ें वो उनकी खुराक का हिस्सा होती हैं। तो आप बहुत अच्छे से उसको साफ़ सुथरे तरीके से और अच्छी खुराक दे रहे होते हैं और उनको वो खुराक मिलती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर जानवर की बॉडी से अपनी गुज़ा जो है वो हासिल करना शुरू कर देते हैं, तो उस वजह से जानवर जो है वो अपना वेट लूज़ करना शुरू कर देता है। और आप क्लेम कर रहे होते हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छा खिला रहे हैं, बहुत अच्छा उसको डाइट कर रहे हैं, तो जानवर क्यों नहीं बढ़ रहा। तो जानवर को जब आप परचेज़ करें तो सबसे पहले एहतियात ये है कि आप तो मालिक से पूछ लें, या आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से लेके आ रहे हैं। अगर आप किसी के घर से लेके आ रहे हैं और उससे पूछ लें कि भाई इसके डिवर्मिंग शेड्यूल पूरा हो गया हुआ है, ठीक है, तो फिर आप उसको ला के जितनी मर्ज़ी अच्छी खुराक देंगे तो वो अपना वेट गेन करेगा। लेकिन अगर आप मंडी से लेके आए हैं और वो ग्रेजिंग वाला एनिमल था और बेशक वो हेल्दी है, लेकिन आप एक दफ़ा उसकी डिवर्मिंग शेड्यूल कम्प्लीट कर लें। अब डिवर्मिंग शेड्यूल जो है वो लाने के बाद, घर में लाने के बाद 1-2 दिन के वक्फे से आपने स्टार्ट कर देना है। लाते ही आपने जो है ना जानवर की डिवर्मिंग नहीं करवा लेनी सेम डे में, 2 दिन रेस्ट देने के बाद ताकि जानवर की जो थकावट है वो उतर जाए और जानवर जो है वो उस माहौल में एडजस्ट होना शुरू हो जाए। फिर आप 15 डेज़ के अंदर अंदर जो है आपने उसका डिवर्मिंग शेड्यूल कंप्लीट कर लेना है। उसमें इंजेक्शंस भी होते हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और कुछ ओरल सस्पेंशंस होते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको कि उसका क्या तरीका कार है पिलाने का। तो जी दोस्तों, तो डिवर्मिंग 2 तरह से करनी चाहिए जानवरों की। कुछ ओरल सस्पेंशंस होते हैं जिसके अंदर जानवरों को दवाई पिलाई जाती है, और कुछ होते हैं इंजेक्टेबल एक्टो और एंडो पैरासाइट्स के लिए, जो स्किन में सब कुटेनियस इंजेक्शन होते हैं जो हम लगाते हैं। तो आप मेरी सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि जो इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए बनाता रहूं और बताता रहूं, ताकि आपका शौक बना रहे और आप प्रॉफिट में रहें, फ़ायदे में रहें अपने जानवरों को पाल के। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिवर्मिंग का तरीकाकार
ठीक है, राइट टाइम, राइट वे, राइट डोज, और सारा उसकी डिटेल्स मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरीके से जानवरों की वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग करनी चाहिए। तो मेरी